अस्सलाम विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। जीएम समद इज हियर योर मैथमेटिक ट्यूटर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रेट्स रेशियोज प्रोपोर्शंस एंड पर्सन्स। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। सो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग रेट्स। सो व्हाट इज रेट्स, लेट्स स्टार्ट गाइज। रेट क्या होता है? अ रेट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विथ डिफरेंट। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन विद डिफरेंट यूनिट्स। व्हाट इज विथ डिफरेंट यूनिट्स? आई कैन हाईलाइट दिस। ये जो है डिफरेंट यूनिट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं रेट्स में और रेशियो में भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन रेट्स में और रेशियो में फर्क यही है। बेसिक जो जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि रेट में क्या होता है कि जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल कैसे के A car that travels 110 miles in 2 hours is moving at a rate of 110 miles per 2 hour। इसका क्या मकसद है कि एक कार है जो क्या करती है 110 माइल्स मूव करती है। टाइम जो है उसको रिक्वायर्ड है वो है 2 आवर्स में वो कंप्लीट करती है। देखिए कि यहाँ पे माइल्स है, यहाँ पे जो है वो क्या है माइल्स, माइल्स और यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये माइल्स। उसके बाद है 2 आवर्स। ये जो आवर्स है, ये जो आवर्स है मैंने जो ग्रीन किया अभी, माइल्स और आवर्स दोनों के यूनिट्स चेंज है। दैट्स व्हाई वी कंपेयर विद अ रेट्स, वी कंपेयर विद अ रेट्स। तो इसको हम रेट के जरिए कंपेयर कर रहे हैं। किस तरीके से कंपैरिजन होती है आपको पता है कि जैसे हम रेशो और रेट्स ये दोनों डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो 110 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 55। तो इसका रेट क्या बना कि 110, अगर एक कार 110 माइल्स 2 आवर्स में कवर करती है तो उसका रेट क्या निकला, रेट है 55 माइल पर आवर। एक आवर में 55 माइल वो कंप्लीट करती है और तय करती है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। उसके बाद है रेशो। रेशो क्या है? अ रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विद सेम। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस विद द सेम यूनिट्स। आई कैन हाईलाइट दिस विद द सेम यूनिट्स। यू कैन सी हेयर विथ रेड लाइन, दिस इज अ यूनिट। तो क्या है गाइस, रेशो और रेट्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। क्या है कि यहाँ पे सेम लाइन होती है। मुझे हाईलाइट करने दे, पता नहीं क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा। ठीक है चलें देखिए क्या है कि सेम यूनिट्स होता है और जो रेट्स है इसमें जो सेम यूनिट नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सेम यूनिट नेसेसरी है। आगे चलते हैं किस तरीके से होगा, हम एग्जांपल लेते हैं इसका। अ क्लास विथ 23rd, अ क्लास विथ 23rd स्टूडेंट्स हैज अ स्टूडेंट टीचर रेशियो। इसका क्या मकसद है कि एक क्लास है उसमें एक टीचर है और 23 स्टूडेंट्स है। तो रेशियो हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे कि 23 स्टूडेंट का रेशियो एक टीचर से है। और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 23/1, या हमको हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 23:1। ये दोनों सेम ही
है, कुछ भी फर्क नहीं है, ये दोनों सेम सिंबल्स है। तो रेशो हम इस तरीके से निकालते हैं। इंशाल्लाह आगे हम एमसीक्यूज जब करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा तो किस तरीके से ये रेशियो काम करता है। तो सिंपल ये सेम ही है, कंपैरिजन है, रेट्स और रेशियो दोनों कंपैरिजन है। फर्क क्या है, ओनली यहाँ पे क्या है, रेट्स में डिफरेंट यूनिट्स होता है और रेशियोज में सेम यूनिट्स होते हैं, उसको कंपेरिजन करते हैं डिवाइड की फॉर्म। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस क्या है? अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होती है, किस तरीके से होती है, इन विच टू रेशियोज आर रेट्स आर इक्वल। इसमें क्या करते हैं, दो रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो रेशियो या रेट्स, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रेशियो उठाए या रेट्स उठाए। रेट्स होगा तब भी हम उसको इक्वल कर सकते हैं, रेशो होगा तब भी हम उसको इक्वल कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ होता है, कि जब वो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो वो स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको किस तरीके से सोल्व करना है। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप सही अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो इनशाला आपको वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या है कि $30 इज 2 5, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइट करने दें, नहीं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ये इसको 3 पार्ट है, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? जी ये अभी हाईलाइट हो रहा है, मैं इसको येलो से करता हूँ। उसके बाद ये एज है, एज को हम रेड से करते हैं। और उसके बाद जो अदर पार्ट है रिमेनिंग, ये 60 वाला पार्ट, इसको हम किसी और कलर से कलर कर लेते हैं, इसको हम ग्रीन से करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे 3 पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है $30 इज 2 5 आवर्स, इसका मकसद है कि $30 इज टू का मकसद है कि ये डिवाइड में, ये रेशियो में है, क्या है, ये रेशियो में है, इज 2 5 आवर्स। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, इज टू का मकसद क्या है, यहाँ पे इसका ये एम है कि इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इज टू का। यहाँ पे जो बेसिक मकसद है वो ये है कि इसको डिवाइड करना है। एज का क्या मकसद है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर से यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया है कि एज का मकसद है इक्वल, क्या है, इक्वल, इक्वल आ गया। उसके बाद क्या है, $60 इज टू 10 आवर्स, तो सेम सेम स्टेटमेंट, इस येलो जैसी स्टेटमेंट है, क्या है, $60 इज टू 10 आवर्स, $60 ऊपर आ गए और 10 आवर्स नीचे आ गए। तो इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। अभी हम इसको इजी इजी सोल्व कर सकते हैं। एक मैंने एग्जांपल उठाया है कि टिपिकल प्रोपोर्शंस विल हैव वन अननोन क्वांटिटी, कि टिपिकल जब प्रोपोर्शंस आते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक अननोन क्वांटिटी आ जाती है, लाइक कि 1 माइल डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइल्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। अगर ऐसा कोई होता है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल, इस क्वेश्चन सेम को मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि $30 इज टू 5 आवर्स एज $X, या मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी कह सकता हूँ कि हाउ मेनी डॉलर्स इज टू 10 आवर्स। तो यहाँ पे हाउ मेनी डॉलर्स की जगह मैं क्या लिखता, एक्स लिखता। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है X माइल्स डिवाइड बाय 30 मिनट्स। इसको सोल्व करते हैं किस तरीके से होगा कि देखिए ये जो 60 है ये जाके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 20 है वो ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा। देखें कि जब 20 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो गया कि 20 एक्स, और जब 61 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हुआ कि 60 मल्टीप्लाई बाय 1। ये डॉट नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके लिख देता हूँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है।
डॉट डॉट नहीं है यहाँ पे, क्या है ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है। आगे चलते हैं, जब ये एक्स 20 का 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लाजमी बात है जब हम एक्स को फाइंड आउट करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैथमेटिकल रूल है, जो भी जो हम रिक्वायर्ड हमें एक्स होता है, वाई होता है, कोई भी एलिमेंट्स होता है, उसको हम जब अगर फाइंड करते हैं उससे जो भी मल्टीप्लाई होगा वो जो इज इक्वल टू के नेक्स्ट साइड जाएगा तब वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 20 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड होगा। इसके अलावा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इजीली आपको मैं समझा सकता हूँ कि 20x है और इक्वल में क्या है 60 सिंपली, तो दोनों साइड हम 20 डिवाइड कर सकते हैं। ये भी होता है कि 20 का टेबल 20 से खत्म, और इसका टेबल कितनी बार लगा, 3 टाइम्स, तो ये लास्ट आंसर क्या आया, 3। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो आगे मूव करते हैं, सो इट टेक्स 60 मिनट्स टू वॉक 3 माइल, तो इसका मकसद आपको पता चल गया कि 60 मिनट्स 3 माइल्स तय करने